यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन से बंगाल के लिए 1614 श्रमिकों को किया रवाना, जिनमें से करीब 400 प्रवासी श्रमिक मुरादाबाद से ट्रेन में बैठेंगे, बाकी के प्रवासी श्रमिक सहारनपुर से ट्रेन में बैठा कर ही भेजे गए। राजस्थान के बारा में एसीबी टीम ने पिपलोद ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव को 3000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। किसान को फसली ऋण दिलाने के लिए ली जा रही थी ये रिश्वत। राजस्थान के बारा के उपवन संरक्षक राजीव कपूर ने बताया कि प्रतिवर्ष वन मंडल क्षेत्रों के अंदर मई माह में वन्य जीवों की गणना की जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते ये गणना एक माह की देरी से की जाएगी। राजस्थान के जालौर में लॉकडाउन के चलते भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले की मुख्य समस्याओं और राजगढ़ सादुलपुर में थानाधिकारी स्वर्गीय विष्णुदत्त विश्नोई की कथित आत्महत्या के मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई। दिवंगत आत्माओं की अस्थियों को पवित्र स्थान पर विसर्जित करने के लिए सरकार द्वारा बारा से हरिद्वार के लिए बस सेवा शुरू की गई। इसके तहत एक बस रवाना हो चुकी है, जिसे क्षेत्रीय विधायक पाना चंद मेघवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के कोटा में लोडिंग अनलोडिंग ठेकेदारों की लापरवाही से किसानों का खरीदा हुआ गेहूं खरीद केंद्रों से नहीं उठने के कारण कई केंद्रों पर पिछले 3-4 दिनों से गेहूं की तुलाई का कार्य बंद है। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर सोसाइटी हैज ईव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट और विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड के द्वारा मासिक धर्म पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के दिनेशपुर में सीने में दर्द उठने से दम तोड़ने वाली एक लड़की का शव 2 दिनों तक मॉर्चरी में सड़ता रहा, क्योंकि उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आई थी। स्वास्थ्य विभाग पर व्यवस्थाओं को लेकर लगा सवालिया निशान। यूपी के हाथरस में चेयरमैन ने ईओ के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर। पूरा मामला जिले की नगर पंचायत मेंडू का, जहां ईओ ने बिना नीलामी के ही गौशाला का गोबर बेच दिया, और इसी बात से नाराज चेयरमैन ने ईओ के खिलाफ कोतवाली हाथरस जंक्शन में तहरीर दी। यूपी के आजमगढ़ में सदर अस्पताल के फिजिशियन समेत 15 नए कोरोना पॉजिटिव के मामलों से मचा हड़कंप। मंडलीय अस्पताल के डॉक्टर आर आर श्रीवास्तव का 19 मई को टेस्ट किया गया था। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनके मिलने वालों की भी ट्रेसिंग की जा रही है। अस्पताल में दहशत का माहौल बना हुआ। शिरोमणि अकाली दल की ओर से कथित बीज घोटाले के खिलाफ लुधियाना में पार्टी की ओर से विधानसभा में अकाली दल के नेता शरणजीत सिंह ढिल्लों और पूर्व मंत्री महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के रेवाड़ी में कुतुबपुर के अर्बन स्वास्थ्य केंद्र यूपीएचसी में एएनएम डॉक्टर की जगह सीट पर बैठकर अस्पताल में आए मरीजों को देखती पाए गए। नर्स से इस बारे में पूछने पर बताया गया कि मेडिकल स्टाफ पर्याप्त न होने पर वो डॉक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे। कुछ ना समझ आने पर डॉक्टर को फोन पर पूछती हैं इलाज। देर रात जम्मू कश्मीर के पुलवामा से वापस आ रहे ट्रक में अवैध रूप से तिरपाल डालकर छुपाकर लाए जा रहे 25 प्रवासी मजदूरों में से एक मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मजदूर के शव का पोस्टमार्टम करा।